अलैकुम जी, मैं हूँ दुआ मलिक, एलपी लाइफ कोच, टाइमलाइन थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। मैं आप सबकी थेरेपी तो करती हूँ, आप सबकी लाइफ कोचिंग तो करती हूँ, मगर अपनी लाइफ कोचिंग के लिए मैंने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी ढूंढी है। आजकल मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ। मगरब की नमाज के बाद नीचे जाती हूँ, मोहल्ले की खवातीन को जमा किया हुआ है और जाती हूँ उनके साथ बैडमिंटन खेलती हूँ। कुछ ही दिनों बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक तब्दीली आ रही है और बहुत मज़े की तब्दीली है। मैं इतना एंजॉय कर रही थी कि मेरे हस्बैंड को भी मेरे एटीट्यूड में बहुत चेंज महसूस हुआ, मेरे हस्बैंड को भी मेरे अंदर बहुत चेंज महसूस हुआ। वो जब घर आते थे मैं मुंह बना के बैठी होती थी क्योंकि मैं काम करती थी सारा दिन, और मगर अब जब वो आजकल आ रहे हैं तो मैं फुल तैयार होके और खुशबाश उनको मिल रही हूँ और हंस रही हूँ खेल रही हूँ। तो वो भी बड़ा परेशान है आजकल के क्या सीन है। सीन है स्पोर्ट्स का और सीन ऑन है, मैं आपको बताती हूँ क्या सीन है। जब मैंने बस एकदम से कुछ क्लिक किया और मैंने कहा मुझे बैडमिंटन खेलना है, और मैंने जाके शटल्स लिए हैं, बैडमिंटन लिया, मैंने डेली खेलना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो इतने शदीद ट्रिगर कर गए हैं कि मुझे दुनिया जो है ना वो ऐसी अमेजिंग लगने लगी है। जैसे लव नहीं हो जाता, जब लव होता है तो हर चीज़ सुहानी लग रही होती है, वैसे ही जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो भी हमें हर चीज़ सुहानी लगना शुरू रहती है क्योंकि आपका अपना माइंड सेट होता है। फिर मैंने कुछ चीज़ें देखी, कुछ पढ़ा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ क्योंकि मुझे ये था कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। जनाब जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं ना तो सबसे पहले तो हमारे सारी लिंग्विस्टिक्स एक साथ काम कर रही होती हैं, यानी हमारे हाथ पैर, हमारी आँखों की मूवमेंट सब एक ही सिम्थ में काम कर रही होती है, आपस में कोऑर्डिनेशन हमारी जिस्म की और हमारी आँखों की और हमारे दिमाग की कोऑर्डिनेशन मिलती है, तो उससे हमारा जहन भी बहुत तेज़ होता है और हमारी फिजिकल हेल्थ भी बहुत तेज़ होती है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मैं हालांकि वो लड़की थी जो कि कराची के सबसे बड़े पार्क में चार चार चक्कर लगा लेती थी, मगर शादी और बच्चों के बाद मेरा स्टेमिना बहुत वीक हो गया था। तो अब स्टेमिना बढ़ाने के लिए सबसे जो मेजर चीज़ होती है वो मोटिवेशन होती है, और मोटिवेशन कहीं से क्या आएगी, मोटिवेशन इतनी आ जाती है क्योंकि जब आपको मज़ा आ रहा होता है ना ये चीज़ खेलने में, कुछ भी करने में जो आपको मज़ा आता है, कोई भी स्पोर्ट्स जो आपको खेलने में मज़ा आता है, वो आप जब करते हैं तो फिर आप करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, फिर आपको बैठने का दिल नहीं चाहता, फिर आपका स्टेमिना खुद ही डेवलप हो जाता है। और ये करते हुए मैंने देखा कि आसपास के लोग बड़ी घुरियां भी कराते हुए जा रहे होते हैं, बड़ा देख भी रहे होते हैं कि भाई लड़की बैडमिंटन खेल रही है या तीन बच्चों की माँ बैडमिंटन खेल रही है, क्योंकि अब वो रिवाज नहीं रहा। अब हमने स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी से खुद ही फ़ोनों में जा जा के निकाल दिया है, तो उस रिवाज को वापस लेकर आए। अगर आप किसी कम्युनिटी सेंटर में रहते हैं या आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो नेबरहुड का अपना एक ग्रुप बनाएं, वहाँ पे पड़ोसनों से बातें किया करें, अगर उनके बच्चे भी हैं तो उनको बोलो कोई मसला नहीं है, हम जाएंगे, हम वेट लूज़ करेंगे। मैंने इंटरनेट पे वेट लॉस जर्नीज भी देखे लोगों के, जो बैडमिंटन से वेट लूज़ जिनका हुआ था, एक एक महीने में 10-10 किलो उनके कम हुए हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है भाई। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को अपने साथ गैदर करना शुरू होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल जो हमारी लाइफ हो गई है हम लोग लोगों से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, हम लोग जाहरी तौर पे मतलब बाहर जाके लोगों से बहुत कम मिल रहे हैं, हमारा सब कुछ हो गया तो फ़ोन कॉल हो रहा है, तो हम लोगों से बाकायदा जाके मिलना शुरू होते हैं, हम सोशल होते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रेज होता है जब हम, क्योंकि शुरू शुरू में हमें स्पोर्ट्स नहीं आ रही होती, आप कोई भी स्पोर्ट्स शुरू कर सकते हैं, शुरू शुरू में हमें स्पोर्ट्स नहीं आ रही होती, और जब स्पोर्ट्स आ जाती है ना हमें तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यार हमने कर लिया, हमें आ गई, जैसे हमें ये चीज़ नहीं आती थी, ये खेलना नहीं आता था और अब हमें आ गया है, वैसे तो मैं कोई भी चीज़ लर्न कर सकता हूँ और मुझे आ जाएगी। फिर फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस भी होती है, यानी आपका एक लोगों के साथ ग्रुप बन जाता है, आप उस ग्रुप को एंजॉय करने लगते हैं, फिर आपको, आप अगर ऐसी भी शख्सियत होते हैं कि आपको लोगों के साथ मज़ा नहीं आ रहा होता तो आप लोगों के साथ इंजॉय करना शुरू हो जाते हैं। फिर गेम खेलते हुए स्पोर्ट्स में टुगेदरनेस होती है और कॉपरेशन होती है, यानी आगे वाले की कॉपरेशन से या साथ वालों की कॉपरेशन के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो आपको कॉपरेशन का एहसास होगा कि कॉपरेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, गेम में आपको पता होता है कि अगर हम एक स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं तो मुझे इतने इतने बजे क्लब जाना है या मुझे इतने इतने बजे अपने गार्डन में जाना है, मेरा पार्टनर आ जाएगा, तो इससे आपके अंदर पंचुअलिटी भी डेवलप होती है। आप दिन के सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं कि आपको पता होता है आपने 7 बजे खेलने जाना है, तो आपके अंदर एक पंचुअलिटी भी डेवलप हो रही होती है। कोई भी आप अगर ड्रग यूज़ करते हैं तो ड्रग छोड़ने के लिए, कोई भी टॉक्सिकिटी आप अपने अंदर लेते हैं तो उसको छोड़ने के लिए सबसे पहले डॉक्टर्स कहते हैं कि आप कोई जिम ज्वाइन कर लें या कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लें, कोई नया शौक ज्वाइन कर लें। तो
अगर आपके साथ वो वाला मसला है तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा. इट इम्प्रूव्स योर मूड, कंसंट्रेशन डेवलप होती है. मेरी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, मतलब पहले से कई ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर सकती हूँ. अब कोई भी काम हो मैं कंसंट्रेट बड़ा अच्छा कर सकती हूँ. अब डिप्रेशन दूर होती है, थक हार के नींद बड़ी अच्छी आती है. जिन लोगों को नींद का मसला, उनके लिए तो भाई स्पोर्ट्स मैजिक है. वेट कम करता है, लीडरशिप ट्रेट्स भी लेकर आता है. बिजार जब इंसान स्पोर्ट्स खेल रहा होता है तो उसके अंदर एक बंदा लीडर होता है, और कहीं ना कहीं वो लीडरशिप अपनी डिवेलप कर रहा होता है, वो खेलों को साथ लेके चल रहा होता है, तो उसके अंदर लीडरशिप भी डिवेलप हो रही होती है. और मेरा माने, मेरी माने तो बूढ़े हजरात जो हैं वो लाजमी स्पोर्ट्स खेलें. ये वीडियो शेयर करें अपनी सारी दोस्तों के साथ, और प्लान बनाएं आज रात को कोई ऐसी स्पोर्ट्स शुरू करने के लिए जिस पे आप सब मुतफिक हों, और आप सबको जिससे खेलने में मज़ा आए. वेट भी लूज़ कर सकते हैं मिलके, डिप्रेशन भी ओवरकम कर सकते हैं, पंचुअलिटी भी आएगी, साथ मिलेंगे भी, और ज़िंदगी में बस एक घंटा आपका होगा, ये घंटा होगा सेल्फ केयर का. ये इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स की. अगर कोई और बात है स्पोर्ट्स के हवाले से अपनी ज़िंदगी में, आप कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपको कैसा लगता है खेल के, कोई बचपन की मेमोरी स्पोर्ट्स के हवाले से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़.